हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम हमारे लास्ट वीडियो के सॉर्टिंग के फीचर को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इन द लास्ट वीडियो हमने सिर्फ एक अलर्ट डायलॉग शो कराया था और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वीडियोज़ को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने वाला, उससे पहले सबसे पहले मैं एक प्राइवेट शॉर्टिंग लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं शॉर्ट की पॉसिबल वैल्यूज़ को स्टोर करूंगा। मैं इसे लेट इनिट वैल नहीं रखने वाला, मैं इसे सिर्फ वैल रखने वाला, विच मीन्स मैं इसे चेंज नहीं करूंगा। ये होगी एक शॉर्ट लिस्ट एंड ये एक एरे होने वाली है। एरे ऑफ एंड इसके अंदर सबसे पहले मीडिया स्टोर डॉट वीडियो डॉट मीडिया डॉट डेट एडेड, क्योंकि हम सबसे पहले चाहते हैं कि जो लेटेस्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे। एंड फॉर डैट यहाँ पे प्लस, एंड सिंस हम लेटेस्ट दिखाना चाहते हैं इसलिए मैं DESC का यूज़ करो, विच मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप असेंडिंग में रखोगे तो जो पुराना है वो सबसे पहले दिखाई देगा। सो जस्ट कॉपी दिस एंड हम लोग इसी के साथ कंटिन्यूसली यहाँ वर्क भी करने वाले हैं। सो कॉमा एंड जस्ट पेस्ट इट हियर। सो हमारी सेकेंड वैल्यू जो है वो असेंडिंग में चाहिए। अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट उसे असेंडिंग माना जाता है। एंड जस्ट कॉमा एंड हिट एंटर एंड नेक्स्ट लाइन पे एक और वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। एंड सिंस वो नीचे जो मेन्यू लिस्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया था, मैं यहाँ पे टाइटल का यूज़ करूँगा। टाइटल एंड नेम आर सेम एंड आफ्टर डैट अगेन पेस्ट इट एंड यहाँ पे टाइटल Z2A होना चाहिए, विच मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए हमें। जस्ट यूज टाइटल एंड आफ्टर डैट मैं शॉर्ट ऑर्डर साइज के हिसाब से चाहता हूँ। जस्ट पेस्ट दैट कोड्स हियर एंड यहाँ पे साइज का यूज़ कर लो साइज एंड लास्ट वन ओके साइज डिसेंडिंग। जस्ट डेट एडिट की जगह पे साइज डिसेंडिंग। ये जो वैल्यू से हमें एक एक करके पास करानी है जो भी करंट वैल्यू सिलेक्टेड होगी उसके हिसाब से। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा शॉर्ट वैल्यू के लिए, जो करंट शॉर्ट की सिलेक्टेड वैल्यू हमें बताएगा। प्राइवेट वेयर एंड विच विल बी शॉर्ट वैल्यू एंड वो एक इंटीजर होगा एंड इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो जीरो होगी। एंड नाउ लेट्स मूव बिलो एंड यहाँ पे जहाँ पे हमने शॉर्टिंग का वर्क किया था जस्ट हियर, यहाँ पे मैं वेयर वैल्यू इज इक्वल टू शॉर्ट वैल्यू। ये जो भी वैल्यू है शॉर्ट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे मैं ये बताऊंगा। एंड यहाँ पे मैं जीरो की जगह पे शॉर्ट वैल्यू को पुट करूंगा शॉर्ट वैल्यू। एंड यहाँ पे जब कोई सिंगल आइटम क्लिक होगी, मैं टोस्ट नहीं शो कराना चाहता इस केस में, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू पोज एंड मीन्स मैं इस वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ। एंड जब हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ का जो वर्क है हमारे सेव थीम से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि हमें स्टोरेज में इसे स्टोर कराना है। जस्ट कॉपी दिस कोड्स फ्रॉम हियर एंड इन्हीं कोड्स को हम लोग यूज़ करेंगे। जस्ट पेस्ट इट अबव यहाँ पे एंड जस्ट पेस्ट इट हियर एंड यहाँ पे एडिटर ठीक है। यहाँ पे मैं थीम्स की जगह पे लेट से सॉर्टिंग का यूज़ करने वाला हूँ। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे मुझे एक एरर दिखा रहा है क्योंकि एडिटर ऊपर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट का नेम है। मैं इसे सॉर्ट एडिटर कह देता हूँ ओके, जस्ट थोड़ा सा नेम अलग हो उसके लिए। एंड यहाँ पे अगेन सॉर्ट एडिटर ऑल राइट एंड जस्ट ये पीछे के कोड्स को रिमूव कर दो। एंड लास्ट वन अगेन शॉर्ट एडिटर शॉर्ट एडिटर एंड यहाँ पे थीम इंडेक्स की जगह पे दिस टाइम मैं शॉर्ट की वैल्यू को सेव कराना चाहता हूँ। शॉर्ट वैल्यू एंड वो वैल्यू होनी चाहिए ये वाली जो वैल्यू है एक्चुअल में। जस्ट सेव वैल्यू एंड इससे हमारी जो शॉर्ट की वैल्यू होगी वो स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाएगी। नाउ जस्ट कॉपी दिस कोड्स एंड इसका हम लोग यूज़ करेंगे। नाउ अब जो रिमेनिंग वर्क है हमारा इस फंक्शन के अंदर है, हमने वैल्यूज़ को सिलेक्ट भी करा लिया, हमने वैल्यूज़ को स्टोर भी कर ली एंड इसके बाद हमें सिर्फ उन वैल्यूज़ की मदद से इन वीडियोज़ को एक्सेस करना है। सिंपली हियर मैं वो वर्क करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट वैल्यू को अपडेट करूँगा। शॉर्ट एडिटर की मदद से सॉर्टिंग एंड यहाँ पे एडिट का रिमूव कर दो एंड यहाँ पे पुट इंट की जगह पे मुझे गेट इंट चाहिए एंड शॉर्ट वैल्यू ठीक है एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये होनी चाहिए ज़ीरो एंड ये वैल्यू जो है मैं शॉर्ट वैल्यू के अंदर स्टोर कराना चाहूँगा ओके। शॉर्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू एंड इससे हमारा शॉर्टिंग का लोड हो जाएगा। नाउ हमें सिर्फ वन थिंग करनी है, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग शॉर्ट ऑर्डर इज इक्वल टू इतना लंबा पास कर रहे थे
जस्ट रिमूव दिस एंड यूज शॉर्ट लिस्ट एंड जो भी हमारी करंट शॉर्ट वैल्यू हो एंड विद दिस हमारा शॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है. यप दैट्स इट. सो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे एक लिस्ट बनाई शॉर्टिंग लिस्ट एंड उसके बाद हमने एक शॉर्ट वैल्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड आफ्टर दैट हमने कुछ वर्क किया था हमारे इसके अंदर. सो यहाँ पे हमने सिर्फ उस वैल्यू को स्टोर किया एंड जस्ट रिमूव दिस सेल्फ फ्रॉम हियर. ओके, सो जब ओके क्लिक होगा तो वो वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए, यहाँ पे वो वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होनी चाहिए जस्ट सिंपली. एंड जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली उसे लोड कर लेगा गेट ऑल वीडियोस के अंदर एंड आर फंक्शनैलिटी विल वर्क परफेक्टली फाइन. सो नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट. सो फाइनली ऐप इज इंस्टॉल्ड एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस नेविगेशन बटन एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस शॉर्ट ऑर्डर एंड यहाँ से कोई शॉर्ट ऑर्डर सिलेक्ट करते, लेट्स से दिस ओल्डेस्ट वन एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके. सो ऐप रीस्टार्ट हो रही है एंड सॉन्ग्स भी लोड हो रहे हैं, विच मीन्स वो शॉर्ट हो चुके हैं एक्चुअली वीडियोस. ओके एंड लेट्स ट्राई एनी अनदर वन. मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन के अंदर लार्जेस्ट फाइल साइज किसकी है. सो दैट इज़ ब्लैक वीडो एंड आफ्टर दैट दिस रेड नोटिस एंड देन आर मिस्टिक क्लॉज. सो विद दिस हमारी शॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी परफेक्ट वर्क कर रही है. सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.